दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी फिर आमने सामने। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में 84% प्रिंसिपल, 34% वाइस प्रिंसिपल के पद जो हैं वो खाली हैं। आरोप ये लगाया गया आम आदमी पार्टी के ऊपर और केजरीवाल शिक्षा मॉडल के ऊपर कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 33% शिक्षकों के पद भी अभी तक भरे नहीं है। बीजेपी का आरोप यह कि दिल्ली के स्कूलों में 950 ऐसे पद हैं जो प्रिंसिपल के हैं और उनमें से सिर्फ 154 पद भरे हुए हैं, 800 से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं और ज्यादातर स्कूल्स को वाइस प्रिंसिपल चला रहे हैं, लेकिन वाइस प्रिंसिपल के भी 34% सीटें ऐसी हैं जो कि स्कूलों के अंदर भरी नहीं गई हैं। दिल्ली में शिक्षकों की शॉर्टेज है 84%। केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए, वो भर्ती क्यों नहीं कर रही है? अब आपको हमारे सहयोगी ऋषभ और कुंदन सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो दिल्ली के स्कूलों में पहुंचे जहां प्रिंसिपल इस वक्त नहीं है। हमने आज पूर्वी दिल्ली के दो स्कूलों का दौरा किया, एक अशोकनगर में, दूसरा यहां त्रिलोकपुरी में। जहां की अशोकनगर में हमें बताया गया कि वहां एक प्राध्यापक हैं तो, लेकिन उनकी नियुक्ति किसी और विद्यालय में कर दी गई है और वो वहाँ कार्यरत हैं। सो यहाँ उस स्कूल में एक वाइस प्रिंसिपल ही कामकाज संभाल रही हैं। यहाँ वाइस प्रिंसिपल ने हमें खुद बताया कि यहाँ प्राध्यापक नियुक्त ही नहीं हैं। सो ये दर्शाता है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हुई ही नहीं है और इस कारण जो 84% जो पोजीशंस हैं प्रिंसिपल की वो खाली हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो विद्यालय आ नहीं रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी नियुक्ति ही नहीं हुई है, भर्तियां ही नहीं हुई हैं। दिल्ली में 84% एक छोटी मात्रा नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ ऋषभ मार्विन प्रताप, टाइम्स नाउ, नव भारत। इस वक्त हम हैं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस वन के एक सरकारी स्कूल के बाहर, सरोदय कन्या विद्यालय मयूर विहार फेस वन। इस पूरे जो बिल्डिंग है इसमें दो स्कूल चला करते थे, सुबह के पाली में बच्चियों का स्कूल जिसे आप सरोदय कन्या विद्यालय, और अगर शाम की बात करें जानकी देवी, और शाम की बात करें यानी दोपहर के बेला में प्रेमचंद राजकीय सरोदय बाल विद्यालय। और इन दोनों स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है। जी हाँ, हम इस बात इसलिए कह रहे हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के तमाम स्कूलों में अगर हम मोटे तौर पर आंकड़ों की बात करें तो 84% प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल्स की नियुक्ति दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो UPSC के माध्यम से की जाती है, और अगर आप स्कूल के आंकड़ों की बात करें, ये तमाम उसमें ये स्कूल भी शामिल है, पूरे दिल्ली के स्कूलों में बात करें तो जो सैंक्शंस पोस्ट है 950 के करीब में है और उसमें मात्र 154 स्कूलों में जो मौजूदा प्रिंसिपल है और 796 स्कूल ऐसे हैं जो बिना प्रिंसिपल के। हालांकि यहाँ पे टेम्प्रोरी अरेंजमेंट की गई है, इस स्कूल की बात करें तो यहाँ पे एक वाइस प्रिंसिपल जरूर है जो पिछले 3 से 4 महीने से उनका चार्ज, और इससे पहले काफ़ी 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इन स्कूल में जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो हेड ऑफ स्कूल यानी एक किसी वरिष्ठ टीचर्स को जिम्मेदारी दे दी जाती है और ये स्कूल का संचालन करते हैं। टीचर्स के तरफ से कोई ऑन कैमरा बात नहीं की गई, लेकिन इनका ये कहना था कि जो हालात है वो शिक्षा विभाग और सरकार को पता है क्योंकि सारा डेटा ऑनलाइन है और जो मौजूदा व्यवस्था उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल बीजेपी के तरफ से उठाया जा रहा है कि जिस एजुकेशन मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल देश के तमाम दूसरे राज्यों में जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा एजुकेशन मॉडल देश भर में सबसे अच्छा है और यहाँ के सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से बेहतर है, लेकिन ये सवाल और बड़ा हो जाता है कि जिस स्कूल्स में, जिस शिक्षा व्यवस्था में, जिस राज्य सरकार के स्कूल में 84% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वो किस तरीके का लीडरशिप स्कूल दे पाता होगा, किस तरीके का नेतृत्व कर पाता होगा। और ये भी स्कूल उन्हीं में है जो कि मयूर विहार का इलाका, जमुना पार का इलाका, और इसके दो स्कूल्स, इसमें सुबह की पाली और शाम की पाली में जो दो स्कूल चलते हैं, इनमें दोनों में
प्रिंसिपल नहीं है, एडहॉक अरेंजमेंट के नाम पर यहाँ पे संचालन की जा रही है। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत, दिल्ली।